इस सब के बीच सेवरेडोनेस के अर्बन इलाकों से गोलीबारी की आई तस्वीरें सीधे प्ले ऑन करें विजुअल्स, ब्रेकिंग और विजुअल्स। सेवरेडोनेस के अर्बन इलाकों पर पूरी तरह रूस के कब्जे की खबर, एम्बियंस अप करें, विजुअल्स अप करें। पूरे सेवरेडोनेस पर कुछ ही दिन में हो सकता है रूस का पूरा कब्जा। सेवरेडोनेस पर कब्जे के बाद डोनबास पर रूस की पकड़ होगी मजबूत। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं सेवरेडोनेस पे, ये देखें आप। फिर आपके सामने सेवरेडोनेस से, इसी के साथ एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी फौज का सेवरेडोनेस के रिहायशी इलाकों पर पूरी तरह कब्जा। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू का बहुत बड़ा दावा, शॉट दिखाएं बगल में। सेवरेडोनेस के इंडस्ट्रियल इलाके पर भी रूस का कब्जा हो चुका है, सर्गेई शोइगू ने यह कहा। इसी फॉर्मेट में इसको जरा प्ले ऑन करें, एम्बियंस अप करें इनका जरा। एक और बड़ी खबर, जंग के 105वें दिन बाद भी रूस के मिलिट्री मूवमेंट में कमी नहीं। इरकुट्स से यूक्रेन भेजे सैकड़ों मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम, ये देखें आप। ट्रेन के रास्ते सैकड़ों 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन भी भेजी गई। बेलारूस से होकर यूक्रेन आ रहा है बड़ा हथियारों का जखीरा। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखें, सीधे मैं चलूंगा। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं, अभिषेक कजाकिस्तान से हैं, लेकिन इनके पास सारी खबरें हैं कीव की भी और कजाकिस्तान से। आज एक बहुत बड़ी हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन अभिषेक भाई क्या इंफॉर्मेशन है सेवरेडोनेस पर कब्जे को लेकर, क्योंकि सेवरेडोनेस के फॉल होते ही पूरा डोनबास फॉल हो सकता है कुछ ही समय में, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए दो चीज़ें हैं हमारे पास, जानकारी ये है कि जो लुगांस का इलाका है वो 90% से ऊपर ऑलरेडी रशिया के कब्जे में आ चुका है। सेवरेडोनेस का जो मेन सेंट्रल इलाका है वो रशिया के कब्जे में है और वहाँ पर एक अजोट करके प्लांट है, जैसे मारियोपोल में अजोव स्टील प्लांट था, वैसे अजोट यहाँ का बड़ा केमिकल प्लांट है और उस केमिकल प्लांट के अंदर करीब 1000 नागरिक छिपे हुए, उन्होंने शरण ले रखी है। यूँ समझ लीजिए कि सेवरेडोनेस का जो पूरा मेन हिस्सा है वो रशियन कंट्रोल में है और ये जो केमिकल प्लांट है इस केमिकल प्लांट पर ही अब इतना से उनको पूरी तरह से काबिज होना है। एग्जैक्टली मारियोपोल की तरफ, जैसे कि वहां पर उन्होंने स्टील प्लांट को फाइनली अपने हाथ में लिया था, तो हम ये कह और ये हम लगातार कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से उनके कंट्रोल में सेवरेडोनेस आ चुका है। सिर्फ आप समझ लीजिए कि कुछ आखिरी जिन्हें कहते हैं किले वो बाकी हैं और वो भी जिस हिसाब से रशियन फोर्सेज आगे बढ़ रही है वो भी ज्यादा दिन के मेहमान दिखाई नहीं देते हैं। आप जो बता रहे हैं अभिषेक, मेरे साथ बने रहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।